अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज बिलालगंज में मैं जिनके पास होंडा कार्स हैं उसके लिए मैं कुछ पार्ट्स की वीडियो आज इंशाल्लाह ताला क्रिएट करूँगा, ताकि होंडा के जिन लोगों को पार्ट्स चाहिए हों, जिन भाइयों को पार्ट्स चाहिए हों, उनको हम लोग ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकें और ईज़िली वो बाय कर सकें यहाँ से। इनके पास माशाल्लाह बड़ा अच्छा सामान है मैंने देखा है, और बाहर की जापनीज जो कार्स हैं उनका इंटीरियर है इनके पास, बॉडी का भी और इंडोर आउटडोर दोनों इनके पास इंटीरियर पड़े हुए हैं, और माशाल्लाह सामान बहुत प्यारा है। और मैंने इनके पास मीटर्स भी देखे हैं बोन के अंदर, बड़े प्यारे और डिफरेंट, जो एक पता चलता है ना चीज़ गाड़ी में लगी हुई है उस तरह के मीटर्स हैं, यानी कि गाड़ी में बैठ के आपको एक यानी कि फीलिंग लगा लें कि बड़ी कंफर्टेबल फीलिंग होती है चीज़ें देख के, उस तरह से इनके पास इंटीरियर पड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, तो फिर आप खुद देखिएगा कि क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ है, ठीक है जी। बाकी फैसला आप लोग खुद करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला प्राइजेस का जो है ना थोड़ा सा इसमें मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इनके जो ऑनर हैं शॉप के वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और ये भाई हमारे छोटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्हें इनकी प्राइजेस का पता नहीं है। तो वो फिर इंशाल्लाह ताला जिसको जो सामान चाहिए होगा प्राइस मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। आपने आना भी होगा तो आप यहाँ से आके परचेज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये छोटे भाई यहाँ पे ही होते हैं, यहाँ पे ही होते हो ना? हाँ, ये यहाँ पे ही होते हैं। साथ वाली पे क्या? हाँ, उस्ताद अभी इनका गया हुआ है, उस्ताद यहाँ पे नहीं है अभी, ठीक है, नहीं तो आपका काम हो जाना था, प्राइस वगैरह आपको पता चल जानी थी। चलें, लेट्स सी, वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करते, ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इंटीरियर, चलें। तो ये फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको होंडा रिबॉन की दिखाता हूँ आपको फ्रंट कट, ये देखें, फ्रंट बम्पर विद फॉग लाइट है, और ये इसकी लाइट्स, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये जापनीज है यार, जापनीज चीजें बड़ी कमाल किस्म की होती हैं, हमेशा से जापनीज चीजों की बड़ी क्वालिटी रही है, ये देखें। उसके अलावा ये ग्रिल देखें, ये चेंज है, ये देखें। अच्छा, इधर से मुकम्मल लाइट ओपन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा जी, इनके पास ये लिप है ना, ये होंडा रिबॉन के लिप पड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये बम्पर लिप होंडा रिबॉन का पड़ा हुआ है, ये देखें, बेटे एक काम चाहिए, सर सर्वो का, सुजुकी सर्वो का, इसका सामान नहीं है, पता है इसका प्राइस क्या है? इसका 6,000। ये लिप आपको 6,000 का मिलेगा, लिप की प्राइस का इसे पता है जी। और ये कितने की है? वेपर शील्ड। हाँ, वेपर शील्ड, ये ये मुकम्मल 6,000। मुकम्मल 6,000 की वेपर शील्ड है जी, पता है प्राइसेस का, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो ऊपर लाइट लगी हुई है ना होंडा रिबॉन की, एचआईडी वाली है। HID वाली है ये, मैं देख सकता हूँ, सेम इसी तरह की है, कौन सी? सेम इस तरह की लाइट है, इस तरह की होती है। सिर्फ अंदर बल्ब HID लगा होता है। हाँ, नहीं, वो अच्छा, ये HID ट्यूब इसके अंदर इंस्टॉल है, लाइट वही है। ये सेट कितने का है? ये 25,000 का जोड़ा है। 25,000 का ये आपको जोड़ा मिलेगा जी, लाइट का HID सादा जो होता है वो 20,000। सादा 20,000 का आपको इनसे मिलेगा, ठीक है। और मैं इस डैशबोर्ड की बात कर रहा था यार, बड़ा मज़े का डैशबोर्ड है ये डिजिटल है कौन सा? ये, हाँ बिल्कुल, डिजिटल मीटर है ये इसका, होंडा रिबॉन का, ये मुकम्मल एक्सेसरीज के साथ है। एक दफ़ा आपको ना ये पेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सामान ऊपर नीचे जब रख के आता है ना कंटेनरों में, तो ये सामान जो है ना ये यहाँ से स्क्रैच वगैरह इस पे आ जाती हैं, ये देखें। बाकी ये आपके सामने कंडीशन है,
ये देखें, ये स्क्रीन है, ठीक है, स्विचेस वगैरह इसके ओके हैं। अच्छा जी, मजीद आगे चलते हैं। ये कितने के है ऑटो गियर? हाँ, 7,000 का गियर लीवर है। ये पूरा सेट है के हाली ये ऊपर से नॉब है? नहीं नहीं, ये मुकम्मल मुकम्मल 7,000 का। यार क्या बात है, मुकम्मल 7,000 का आपको ये मिलेगा। ये होंडा रिबॉन का ना? हाँ, क्या बात है जी, बड़ा सस्ता सामान है होंडा का भाई। होंडा का कोई कोई सस्ता होता है। अच्छा, कोई कोई सस्ता होता है, ज्यादा महंगा ही होता है। अच्छा जी, ठीक हो गया। ये मुकम्मल जो ना आपको 7,000 का मिलेगा। ये होंडा रिबॉन का ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन का पूरा जो गियर रिवर है ना, ये आपको इतने का मिलेगा। क्या चीज? हाँ मुझे पता है, मैं खुद ही नहीं कर रहा, गिर ना जाए। हाँ, और मुझे ये बताओ इसके साइड मिररों का क्या रेट है? हाँ, इसका इसे भाई अभी नहीं पता। बाकी ग्लास आप देख लें। और अच्छा मुझे ये बताओ ये स्टीयरिंग कितने का है? 10,000 का रिबॉन का ये? ये होंडा रिबॉन का है, और इसके अंदर ये मोड का, वॉल्यूम और चैनल का ये स्विच है, वर्किंग है इसका। 10,000 बताया? अच्छा जी, एक ये भी स्टीयरिंग पड़ा हुआ है, बड़ा मजे का स्टीयरिंग है। ये कंप्लीट कितने का है? इसका प्राइस नहीं पता। ये जी मुकम्मल, ये स्विचेस इसके साथ देख लें आप, ये देखें, ये गाड़ी का डिस्टेंस वगैरह हर चीज इसकी, ये देखें, मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन है ये। उसके अलावा ये कॉल एक्सेप्ट और कैंसिल की ऑप्शन आपके पास, ठीक है। ये देखें, इसका प्राइस का नहीं पता आपको? नहीं। अच्छा जी, बच्चे को इसकी प्राइस का नहीं पता। उसके अलावा अगर हाल ही ये मीटर लेते हैं तो? हाँ, अभी भाई इन्हें प्राइसेस का नहीं पता, वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट व्लॉग करूँगा ना, उसके अंदर मैं आपको ये पूरी डिटेल के साथ चीज़ें दिखाऊंगा। ये इसका फ्रंट पूरा एक नोस कट है, ये देखें, ये पूरा नोस कट है। ये भी देखें, सिल्वर भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये नोस कट पूरा कितने का? अभी तो 2 महीने हो गया है। अच्छा, अभी प्राइस वगैरह नहीं आपको पता चली? दरवाजों का भी नहीं पता आपको? दरवाजे 50,000। अच्छा जी, ये इस रिबॉन के जो चारों दरवाजे हैं ना, ये आपको 50,000 के मिलेंगे, ठीक है जी। और इंटीरियर मैं आपको इसके साथ शेयर करता चलूं। ये देखें, ये इसका इंटीरियर है, ठीक है, मास्टर स्विच लगा हुआ है। ये आपको कंप्लीट देंगे अगर ये जिस तरह मिस है ना बटन, इसमें से विंडो, ये सेटिंग के जो साइड मिरर सेटिंग है वो आपको मुकम्मल करके देंगे। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल दिखाता हूँ मैं। खाली बम्पर कितने के? ये खाली खोखा। हाँ ग्रिल, हाँ समेत समेत, ग्रिल के समेत। ये खाली खोखा 12,000 के। अच्छा, अगर ग्रिल साथ लेते हैं तो? ग्रिल ये वाला सादा जो है ग्रिल के साथ, ये 16,000। ये सादा जो है ग्रिल के साथ 16,000 का जी। और ये थोड़ी सी फैंसी लुक आ गई है, ठीक है। ये लाइटें है ना? नहीं नहीं, वैसे लगा हुआ है, ठीक हो गया। ये बड़ा प्यारा मुझे लगा है, कंट्रास्ट तो बीच में किया हुआ है ना इन्होंने, ये वाला बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, अब आते हैं डिगी की तरफ। ये डिगी कितने की है? ये, हाँ, ये डिगी मुकम्मल 20,000 की। 20,000 की? अच्छा, मुकम्मल डिग्गी है 20,000 रुपये की लाइटों के समेत। और एक ये ब्लैक कलर की भी पड़ी हुई है, ये देखें। अच्छा जी, अब ये एक नोज कट में आपको दिखाता हूँ।
ये है जी ब्राउन कलर में, ये आप देखें ये ब्राउन कलर में है। सामान तो माशाल्लाह सारा इनके पास रिबोन का पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह मैं प्रॉपर रिव्यू इसका करूंगा प्राइस के साथ इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी जो शॉप ऑनर है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे को अब प्राइस का सही तरह से पता नहीं है। उसके अलावा ये देखें, ये स्पॉइलर पड़े हुए हैं। ये स्पॉइलर कितने के, इसका भी नहीं पता, स्पॉइलर का भी इसे नहीं पता। ये डिगी के स्पॉइलर पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। हाँ, और कोई गाड़ी का है? अच्छा, ये किसी लग तो जाएंगे, तकरीबन शेप होंडा की लग रही है। बाकी माशाल्लाह सामान पूरा रिबॉन की कलेक्शन है इनके पास इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट व्लॉग में आपको प्रॉपर चीज़ें मैं इनकी शेयर करूँगा, ठीक है जी। ये माशाल्लाह होंडा सिविक जो है, जो न्यू मॉडल में, ये उसका नोज कट है। गुजर रहा था तो मुझे काफी प्यारा लगा, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर कर। जी तो फ्रेंड्स, अब ये है कि वीडियो तो मैंने जितनी बन सकती थी मैंने बना ली है, और आप लोगों के साथ में अब मज़ीद चीज़ें जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि अभी ऑनर शॉप पे नहीं है और कलेक्शन बहुत ज़्यादा तादाद में इनके पास पड़ी हुई है और बड़ी अच्छी रेंज में इनके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो बाकी ये है कि नेक्स्ट में जो होगा, बाकी प्राइजेज़ वगैरह किसी को पता करनी होंगी तो मैं इंशाल्लाह ताला प्राइजेज़ पूछ के बता दूंगा। तो कोशिश यही करूँगा कि प्राइजेस के साथ नेक्स्ट वीडियो आपको मैं दिखा दूँ। तो बाकी मुझे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस कर लें, ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ईजिली जो है वो मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।